घी निकालने का वो कौन सा सबसे आसान तरीका है जिससे हमें ढेर सारी घी तो मिलती ही है, साथ में मिलता है ढेर सारा मावा। 100% प्योर घी घर पे कैसे निकालें, जानने के लिए वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। सारे प्रोसेस मैंने स्टेप बाय स्टेप शेयर किए हैं। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने यूनिक्स किचन में। यहाँ पे मेरे पास 1/2 kg मलाई है, ये 1 हफ्ते की मलाई है। इसमें मैंने 1/2 चम्मच दही ऐड कर दिया था। दही ऐड करना बहुत ज़रूरी है ताकि दूध का फर्मेंटेशन अच्छे से हो सके। सिंपली जब आप मलाई इकट्ठा करते हैं तो जिस पॉट में आप मलाई इकट्ठा कर रहे हो उसमें 1/2 चम्मच दही ऐड कर दीजिए और पूरे वीक आप उसमें मलाई कलेक्ट करते जाइए। यहाँ पर मलाई जो है बिल्कुल ठंडी है, इसको मैंने फ्रिज से निकाला है। इस मलाई को आपको मिक्सर जार के अंदर ऐड कर लेना है और 1 मिनट तक लगातार आपको इसे ब्लेंड करना है ताकि मलाई से जो बटर निकले वो अच्छे से निकल जाए। मलाई जितनी ठंडी रहती है बटर उतना ही ज़्यादा अच्छा निकलता है। यहाँ पे मैंने ब्लेंड कर लिया है, आप देख सकते हैं बटर जो है बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुका है। हम इसे एज़ इट इज़ कढ़ाई के अंदर डाल देंगे। बहुत लोग इसमें पानी डालते हैं ताकि बटर जो है वो ऊपर आ जाए, लेकिन मैं इसे एज इट इज़ ही कढ़ाई में डालूंगी। मैं आपके साथ बहुत ही सिंपल तरीका शेयर कर रही हूँ घी बनाने का। यहाँ पे मैंने बटर को कढ़ाई में निकाल लिया है और इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे आपको कुक करना है। तो इसे पकने के लिए मैंने गैस पर चढ़ा दिया है, गैस की फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर ही इसे 30 से 35 मिनट तक कुक करेंगे। घी को प्रिपेयर होने में लगभग 1/2 घंटा का टाइम लग जाता है। बीच बीच में आपको इसे चलाते रहना है, चेक करते रहना है। 10 मिनट का टाइम हो चुका है, यहाँ पे बटर में हल्का सा उबाल आने लगा है। गैस की फ्लेम स्लो रखेंगे और इसे धीमी आंच पे पकने देंगे ताकि जो घी है वो अच्छे से रिमूव हो सके। बीच बीच में इसे चलाते रहना है। घी निकालने का सबका अपना अलग अलग तरीका होता है। बहुत लोग मलाई को कलेक्ट करते हैं और उसे कुक करके उससे घी निकालते हैं। बहुत लोग मलाई वाले दूध से दही जमाते हैं, उसके बाद ऊपर से उसे कलेक्ट करते जाते हैं और फिर उससे घी बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं बहुत ही सिंपल और इजी तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जिस तरीके से मैं मोस्टली घी निकालती हूँ वही तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं वीकली घी निकालती हूँ, बहुत लोग 2 वीक्स पर घी निकालते हैं, तो सबका अपना अलग अलग तरीका होता है। मैं मोस्टली 1 वीक की मलाई को कलेक्ट करती हूँ और उससे घी प्रिपेयर करती हूँ। 20 से 25 मिनट का समय हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हल्का हल्का सा घी जो है वो ऊपर दिखने लगा है। इस स्टेप पे गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देंगे और बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे। घी निकालने का जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है। फाइनली 30 से 35 मिनट का टाइम हो चुका है, यहाँ पे घी बनके बिल्कुल रेडी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं घी बिल्कुल अच्छे से रिमूव हो चुका है। यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं 100 ग्राम के करीब हमें मावा भी मिल जाता है। तो बहुत ही सिंपल तरीका है ये घी निकालने का। आपको 400 ग्राम के करीब यहाँ घी मिलती है, साथ ही 100 ग्राम के करीब मावा भी मिलता है। घी को छानने के लिए मैंने यहाँ लिया एक बड़ा सा बोल, साथ ही एक बड़ी साइज़ की स्ट्रेनर ली है। इसमें जो मिक्सचर है हम ऐड कर देंगे और हल्का सा चलाते हुए इसे अच्छे से स्ट्रेन कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना अच्छा मावा आपको यहाँ पे मिला है। अगर आप कढ़ाई में डालकर मलाई को छोड़ देते हैं या नहीं चलाते हैं बीच बीच में, तो ये जो मावा है इतना अच्छा नहीं मिलेगा, ये कहीं ना कहीं जल जाता है, एक अलग से स्मेल आने लगती है। लेकिन अगर आप बीच बीच में चलाते जाते हैं तो बहुत ही अच्छा मावा भी आपको मिल जाता है। आप चाहें तो इसमें चीनी का पाउडर मिला करके आटे के साथ स्टफ़ करके मीठा पराठा बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आप जैसे भी चाहें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और फाइनली हमें मिल जाता है 100% प्योर घर का बना हुआ शुद्ध देसी घी, जिसका इस्तेमाल आप दाल, सब्जी, रोटी, पूड़ी, पराठे, जिस भी रेसिपी में चाहे कर सकते हैं। घी को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए आप स्टील या ग्लास जार का यूज़ कर सकते हैं। देसी घी बहुत हेल्दी होता है, इसमें पाया जाता है विटामिन ए, ओमेगा 3 फैटी एसिड, गुड फैट्स, तो इसे आप अपनी डेली डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। आई होप आज की वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। फिर मैं मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नई इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।